टेली से परेशान ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक की जिलाधिकारी से शिकायत की है और मनमाने तरीके को बंद कराने की मांग की है। पति की मृत्यु के बाद ससुराल की विकास खंड मैनपुरी के ग्राम नगला मनु काकल के रहने वाले करीब आधा दर्जन ग्रामीण गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह से मिलने पहुंचे हैं। यहां इन सभी लोगों ने एक शिकायती पत्र दिया है। इस शिकायती पत्र में इन्होंने गांव में स्थित प्रधानाध्यापक की मनमानी कार्यशैली से परेशान होकर प्रधानाध्यापक की शिकायत की है। इस शिकायती पत्र में बताया कि प्रधानाध्यापक ने जेएनएल कौशल द्वारा ग्रामीणों के चंदे से बनी सरदार विद्यालय का भवन बिना किसी अधिकारी की अनुमति से तोड़वा दिया। विद्यालय के सारे अभिलेख भी अपूर्ण है, प्राय अनुपस्थित रहना प्रधानाध्यापक की कार्यशैली में है। प्रधानाध्यापक का शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं है। मिड डे मील गैस सिलेंडरों को प्रधानाध्यापक बेच देते हैं। तोड़े गए विद्यालयों के भवन की ईंटों को भी प्रधानाध्यापक ने बेच दिया। मिड डे मील अब उपलों के माध्यम से बनाया जा रहा है जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। कायाकल्प योजना की धनराशि का दुरुपयोग कर दिया गया है। विद्यालय की रंगाई पुताई भी अपूर्ण है। मिड डे मील का गेहूँ बेच दिया है। वही पुराने भवन को तोड़वाए जाने का सहायक अध्यापकों ने विरोध किया, लेकिन प्रधानाध्यापक ने जबरदस्ती अपने मनमाने तरीके से पुराने भवन को तोड़वा दिया। प्रधानाध्यापक के मनमाने तरीके और कार्यशैली से ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सभी ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? बेदराम। बेदराम, आज डीएम कार्यालय आए हुए हो, क्या मामला, किस मामले को लेके यहाँ आए हो? हम आए हैं चंदा की बिल्डिंग आती है स्कूल की, तो मास्टर ने ईंट फीट को पता ना लगो का बेच गई, कहाँ ले गो कोई पता ना, और जो संपत्ति जो सिलेंडर है तिबार फाड़ फाड़ के तो मुर्गा शिकार अंडा खा। कौन मास्टर हैं? कौशल। क्या नाम है आपका? अंजला गुप्ता। अंजला गुप्ता, आज आप यहाँ डीएम कार्यालय आई हुई हैं, किस मामले को लेके यहाँ आई हैं? अपने स्कूल के मतलब आ रही हैं जो हमारी पुरानी मास्टर ने बिना मतलब सोचे समझे और बिना ही तोड़वा बिना मतलब रका दिए ही तोड़वा दी। अब उसमें हम लोग ग्रामवासियों को परेशानी हो रही है। अभी भी बरात आ जाती वो ठहर जाती थी, उसकी ना ईंट का पता है ना उसकी पट्टियों का पता है ना गाटर का पता, कोई भी पता नहीं उन्होंने क्या किया। हम लोगों को बहुत परेशानी है वहाँ। तो अभी तक आपने कोई थाने में सूचना दी थी क्या? नहीं। अभी आप डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि मैं बीएसओ ऑफिस में दरखास्त दे रहा हूँ।